सब लोग रेडी हैं करंट अफेयर के लिए? चलिए बाबू सब लोग ध्यान से देखेंगे अब करंट अफेयर की ओर। हाल ही में गूगल ने एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया, बार्ट। किसने लॉन्च किया? बार्ट ने, बार्ट नाम से लॉन्च किया गया। देखिए पूरी दुनिया में तबाही लाया था चैट जीपीटी। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। चैट जीपीटी जो एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गूगल ने अभी लॉन्च किया उसका नाम है बार्ड। एक अलग ऑर्गेनाइजेशन ने चैट जीपीटी लॉन्च किया था। देखिए सबसे बात क्या होता है कि ये चैट बॉट होते क्या है सब। देखिए ये बॉट जो होता है ना, बॉट चैट मतलब बात करना, बॉट मतलब अपने से बात करेगा आपसे, उसी को कहेंगे चैट बॉट। जैसे आप मेल कीजिएगा ना कहीं पे बिजनेस अकाउंट में, हेलो गूगल, तो उधर से रिप्लाई आएगा। आप किस नाम से मेल किए हैं आपके नाम से कहेगा मेल। जैसे जगमोहन तुम मेल किए तो ऐसे उधर से रिप्लाई आएगा, हेलो जगमोहन हाउ आर यू। आप पूछेंगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आई एम ऑल्सो फाइन, अपने मन से दो चार को रटा हुआ बतियाएगा, उसी को कहते हैं चैट बॉट। हम लोग भी उसका यूज करते हैं चैट बॉट का। पहले क्या ना एप्लीकेशन पे बिना मतलब का फोन करता था सर, तो चैट बॉट में क्या किए ना उसको कितने सवालों के जवाब वो दे सकता है, फेमस से मैं जाओ अपने से दे देगा। जैसे बैच का टाइमिंग, तो उसमें जैसे लिखे टाइमिंग ऑफ बैच तुरंत अपने से बता देगा, उसको पहले से फीड करना पड़ेगा। जो भी चीजें जितना आप उसको पहले से बताए रहेंगे उतने का ही जवाब देता था, उसी को कहेंगे चैट बॉट कहते। उससे ससुरा चैट जीपीटी तो नहीं, आचार का दिमाग ही निकल गया। उससे अगर कुछ चीज पता कीजिएगा ना तो गूगला से पूछने लगेगा, गूगल उगल जहां तहां से सर्वर और में से डाटा निकाल निकल धर धर बता देगा। जैसे आप पूछ दिए कि बाबर के बारे में बताओ, तो कुछ एनसीईआरटी से निकाल लेगा, कुछ गूगल से निकाल लेगा, कुछ हमारे वेबसाइट से निकाल लेगा, पूरा ले आओ के भर के रख देगा, ले बाबर के बारे में पूरा ले आके भर देगा चैट जीपीटी। तो पूरी दुनिया में चैट जीपीटी तबाही मचाया था। हालांकि यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो गया था, यूपीएससी एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया चैट जीपीटी, तब उनको समझ में आता है यूपीएससी खिलवाड़ समझते थे। तो गूगल ने क्या किया, हाँ बार्ड ने, क्या चीज बार्ड, चैट जीपीटी के तहत। अगला है इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय कौन है? सूर्य कुमार यादव। क्रिकेट का आप लोग को अच्छा खासा नॉलेज होगा, क्रिकेट आप लोग देखते हैं, हम लोग बुढ़ा गए, अब क्रिकेट का जमाना चला गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश से यूपीआई से भुगतान की अनुमति देने वाला फोन पे किसने चालू किया है? फोन पे। देखिए पूरी दुनिया में पेमेंट लेने वाले जो हैं वो यूपीआई बहुत फेमस हो गया पूरी दुनिया के लिए, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वाला जो गेटवे है आपका। अब इसे पूरी इंटरनेशनल पेमेंट तो ये ले सकता था यूपीआई, अब भारत का फिनटेक, जो भी फिनांस से रिलेटेड कंपनी रहती है उसे फिनटेक, एजुकेशन से एडटेक होती है सब, तो फिनटेक कंपनी फोन पे बनी जो इंटरनेशनल पेमेंट को भी अब क्या कर ले रही है, स्वीकार कर रही है यूपीआई, और यूपीआई के थ्रू फोन पे। तो आपका जो भी होता है आप पेटीएम भी यूज कीजिए, उसमें भी यूपीआई रहता है कि नहीं रहता है, फोन पे यूज कीजिए, गूगल पे, सब में क्या रहता है यूपीआई। अब इंटरनेशनल पेमेंट भी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। गवर्नमेंट का प्लान है कि जितना जल्दी जितना ज्यादा आपको ट्रांजेक्शन पे आदत लगाया जाए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना इजी होता है और उस पर थोड़ा करप्शन के चांसेज कम रहते हैं। जो भी करप्शन होता है आप कभी नहीं देखेंगे कि कैश मतलब इसमें हो रहा है आपका ऑनलाइन, करप्शन किस में होते हैं, कैश में होते हैं। और यही देखा गया था 2000 के नोट में भी, 2000 के नोट में क्या होता है कि उसको जमा करना बड़ा इजी रहता था, एक झोला दो रख लीजिएगा तो करोड़ों रुपया हो जाएगा, लेकिन 500 में क्या है थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा, 500 की चार गड्डी उसके एक गड्डी बराबर है कि नहीं, ऐसे जोड़ लीजिए आपको चार गुना बड़ा था। तो 2000 के नोट को रोका गया था, हालांकि हम जब 2021 बैच में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे ना तो उसी समय भी हम बोले थे आपको कि इसमें बहुत जल्दी इसको बैन होगा। अब कौन वो वाला वीडियो काट के ले आया है, कह रहा देखो सर बोले थे पहले ही, क्या बात है, अरे यार किसी को पता था कि 2000 का नोट ज्यादा देर सक्सेस नहीं होगा। तो किसने लिया है, फोन पे, किसने, फोन पे ने। आगे देखे जाए वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को अब तक सर्वाधिक कितना आवक प्रेषक प्राप्त हुए हैं, देखिए, अरे इनवार्ड रिमिटेंट समझिए क्या होता है, हमारे यहां बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते हैं, वो विदेशी अकाउंट से भारत के अकाउंट में पैसा भेजते हैं,
और वो पैसे भारत में चले आते हैं। तो जब कभी फॉरेन बैंकों से भारत के बैंकों को कोई रिसीविंग होती है तो उसे इनवर्ड क्या कहते हैं, रिमिटेंट कहते हैं। और अगर भारत से पैसे बाहर चला गया तो आउटवर्ड कहेंगे, वहां पे अंदर आया तो इनवर्ड कहेंगे। तो वही पूछ रहा है कि इनवर्ड रिमिटेंट कितना आया था, विदेश आवक प्रेषक क्या था, आवक प्रेषक मतलब इनवर्ड रिमिटेंट, और मतलब जो बाहर गया था निष्कासित जो हुआ था वो तो हम लोग का अगर विदेश में जाएगा तो आउटवर्ड होगा। तो जब भी आपसे अगर करंट अफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जोड़ेगा ना तो नाश देगा आपको, अब वही सब आप लोग से क्या हो जाता है, छूट जाता है यहाँ पे। तो ये सब पे जो आंकड़ों पे थोड़ा ध्यान से रखिएगा यहाँ पे। नवासी हजार एक सौ सत्ताईस मिलियन डॉलर। ये एफ वाई का मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के लिए, 22-23 का तो डाटा अभी बाकी हो गया, यहाँ पर 21-22 का डाटा आ गया है। 89,127 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी, विदेश से लेके आया गया। आगे बढ़े, 89,127 यहाँ लिखा ही है क्या जी? ओ आगे बढ़ जा, उसको याद रखिएगा। भारत में पहली बार किस राज्य में लिथियम का भंडार, जम्मू कश्मीर में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार पाया गया। लिथियम सबसे हल्का धातु होता है जबकि ऑस्मियम सबसे भारी होता है। लिथियम हल्का होता है साथ में गर्म भी कम होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन को आवेशित करके सोख के रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है वो बैटरी बनाने के काम में ईजी आ जाता है, तो इसलिए इसे लिथियम आयन बैटरी कहा जाता है। लिथियम आयन बैटरी चार्ज बहुत जल्दी हो जाते हैं सब, पहले बैटरी अब जितनी बैटरी आती है सब किसकी होती है, लिथियम आयन बैटरी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिथियम आयन बैटरी पर डिपेंड होता है। भारत में भंडार मिला है, चाइना में है और अफगानिस्तान में है। टेस्ला वगैरह कंपनी इसी वजह से देखिएगा चाइना में जाके शिफ्ट हुई थी सर। अब भारत में भी इसका बहुत बड़ा भंडार मिला है, किस चीज का, लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं। आगे बढ़े, कहां पे मिला है, सोने का भंडार, अभी राजस्थान में भी मिला है लिथियम का भंडार, राजस्थान में भी क्या मिला है, लिथियम का भंडार मिला है। दोनों राज्यों में लिथियम के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने ऊर्जा संकट पर आपदा स्थिति की घोषणा कर दी है, स्टेट इमरजेंसी किसने घोषित कर दिया है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में पावर कट होने की वजह से स्टेट इमरजेंसी घोषित किया गया है। कोरोना के बाद ये एक इमरजेंसी है, इसमें आपको जब भी इमरजेंसी आती है तो गवर्नमेंट जो कहेगी रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कह दी कि बड़े मॉल बंद हो जाएंगे 5 बजे के बाद तो 5 बजे के बाद बंद करना पड़ेगा। कह देगी फैक्ट्रीज में नहीं चल सकता है फैक्ट्री तो फैक्ट्री वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल चीज़ें जो होती हैं वही बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा करती है। हम लोग को देखिए ना, एक मोहल्ला का बिजली अकेले सोख जाते हैं, हम पूरा हॉल मिला दीजिए ना, एक मोहल्ला का सोख जाता है। यहाँ पे 550 के आसपास पंखा, एक मोहल्ला में कितना, एक घर में 10 गो पंखा होगा, और कौन, हाँ भाई 10 गो 5 गो जो भी मानिए आप। तो कमर्शियल चीजें ही ज्यादा बिजली लेती है, तो जब कभी भी हम इमरजेंसी घोषित कर देते हैं तो हमारे मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद वो फॉलो करना पड़ता है। जैसे कोरोना में हमारे यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, और जितने बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें फर्नेस जो भट्टी चलता है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। हम बीमार पड़ते हैं तो उसमें केवल 15% भारत में बनने वाले कुल ऑक्सीजन का 85% इंडस्ट्रीज को चला जाता था और 15% ही मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह में जाता था। लेकिन जैसे हम लोगों ने कोरोना के लिए इमरजेंसी घोषित कर दिया, तुरंत बैन लगा दिए कि कोई ऑक्सीजन फैक्ट्रीज पे सप्लाई नहीं जाएगी, और वह ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ भेज दिया गया हम लोग, हॉस्पिटल्स में, और उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बना लिए लोग। ऐसे ग्रीन कॉरिडोर बनाना बहुत दिक्कत होता है। ग्रीन देखिए, रेड सिग्नल पे गाड़ियों को रुकना होता है, ग्रीन सिग्नल पे तो नहीं रुकना होता। अब कोई ऑक्सीजन का टैंक चला है दिल्ली से और पटना उसको पहुंचना है, अगर नॉर्मल ट्रैफिक से चलेगा ससुरा उसको जो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये ड्राइवर जा रहा है यहाँ से इस एरिया में, सब अपना अपना थाना खाली कराते चलना। तो जब वो ट्रक जाएगी तो सारे थाना इंचार्ज को जिम्मेदारी है कि जैसे उसके थाना में एंट्री करेगा पास कराना होगा, सारे थाना को उसका नक्शा दे दिया जाता है कि इस थाना से गुजरेगा, सारे लोग को साइड करा देगा, रुक 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 सोचो निकलने दे इसको। तो ग्रीन कॉरिडोर बनाओ, स्टेट इमरजेंसी भेज दीजिए। अभी के समय ग्रीन कॉरिडोर नेताओं के लिए बनाया जाता है, जैसे मुख्यमंत्री मंत्री आते हैं, ग्रीन कॉरिडोर बना दीजिए, कोई घुस नहीं सकता है, तुरंत हो जाएगा। अब पुलिस कितना मुस्तैदी से काम करती है, कभी एक बार देखिए मुख्यमंत्री को जाना होगा तब पता नहीं कोने गली से निकलेगा सो सारा गली बंद कर देगा, जा पूरा सड़क खाली, 5 मिनट के अंदर पूरा सड़क खाली करा देगा। आगे बढ़ जाए,
किसी को दिक्कत नहीं ना, तो कहाँ से कहाँ पे किया गया दशरथ, और पूरे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कर दिया गया, फाइनेंशियल क्राइसिस के करीब पहुंच गया था ब्रिटेन, लीज ट्रस्ट को तो इस्तीफा देना पड़ गया था अपने पद से वहां पर। आगे बढ़े दक्षिण अफ्रीका, ये रहा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की है। देखिए राज्यपाल का पद कितने में है, 53, 153 राज्यपाल का पद, 153 राज्यपाल का पद, 154 जो है राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, और राज्यपाल का निर्वाचन नहीं बल्कि नियुक्ति होती है 155। तो ये राज्यपाल का पद नहीं पूछे है, इसने पूछा है किस संविधान के तहत राज्यपालों की क्या की गई है नियुक्ति। तो राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता बल्कि नियुक्ति होती है, आर्टिकल 155, और राज्यपाल का पद कहेगा तो आर्टिकल 153। कनाडा से लाया गया राज्यपाल का पद, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, ये तो करेंट और वही बी सी जो भी है देख ले, ये है बी नंबर 155। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये राज्यपाल है, इन लोग को आपको करेंट में याद करना पड़ेगा, लास्ट में एक बार याद करा देंगे राज्यपाल और उसका। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के पदक तालिका में सबसे टॉप पर कौन राज्य, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद हरियाणा, एक नंबर पे महाराष्ट्र उसके बाद हरियाणा, और खेलो इंडिया का विंटर गेम में जम्मू कश्मीर, विंटर गेम में जम्मू कश्मीर, और विंटर गेम में हम लोग कहाँ से जीत पाएंगे, साल में एक दो बार बर्फे देखता है आदमी, आइस गेम में वही सब जैसा माहौल वहीं पे, तो सबसे आगे कौन रहा है, महाराष्ट्र, सेकेंड नंबर पे हरियाणा, हालांकि हरियाणा खेल के मामले में बहुत आगे है, हरियाणा खेल के मामले में बहुत आगे। अगला राज्य देखते हैं, हरियाणा है उसके बाद कौन है, देखिए महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र ने जीता 161 मेडल, हरियाणा 128 और मध्य प्रदेश 96। अब वही अगर विंटर वाला पूछ देता तो आप क्या बताते हैं, जम्मू कश्मीर, विंटर वाले में जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में किस राज्य की एशियाई विकास बैंक ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर का क्या दिया है, ऋण दिया है, 130 मिलियन डॉलर का ऋण हिमाचल प्रदेश को दिया गया है बागवानी के लिए, किस चीज के लिए, बागवानी के लिए, हॉर्टिकल्चर, बागवानी को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, बागवानी के लिए, बागवानी में फायदे ज्यादा होते हैं और हमें उसका कमर्शियल यूज ज्यादा हो जाता है। आप आलू बोइएगा तो अपने यूज के लिए बोलिएगा, लेकिन बागवानी में क्या है, जो भी मंडियों में सामान आते हैं वो तो बागवानी से आते हैं। अब आप अपने खेत में एक अमरूद का पेड़ लगा दीजिएगा, आपका पेट भरेगा लेकिन बाजार में तो नहीं आ पाएगा। तो सरकार भी बागवानी को बढ़ावा देती है क्योंकि मंडियों तक सामान बागवानी से ही आ सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश ने, सरकार ने 130 करोड़ का लोन वर्ल्ड बैंक से लिया है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय मनीला में, कहाँ पे है, मनीला, फिलीपीन के मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में, एडीबी है एशियन डेवलपमेंट, 130 करोड़ का लोन किसने लिया है, हिमाचल प्रदेश। अच्छा हिमाचल प्रदेश में बागवानी इजी भी हो जाएगा, सेब हो सकता है, चीकू हो सकता है, कीवी हो सकता है, इसे ठंडे फल में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2023 एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन कहाँ से किया, बेंगलोर में, कहाँ पर, बेंगलोरु में, बेंगलोरु में। इसका थीम याद रखिएगा, द रनवे टू अ बिलियंस अपॉर्चुनिटी, रनवे टू अ बिलियंस अपॉर्चुनिटी, रनवे मतलब एक ऐसी उड़ान जो करोड़ों संभावना की उड़ान, अपॉर्चुनिटी मतलब संभावनाएं होती हैं, अवसर मौका होता है, रनवे टू द बिलियंस अपॉर्चुनिटी। एयर शो में क्या होता है, पूरी दुनिया अपने अपने जहाजों को ले आके लाती है और उसका प्रदर्शन करती है कि कौन जहाज कितना बढ़िया है, और वहीं पे देखा जाता है परफॉर्मेंस को एक जगह ले आके, ताकि वो कोई जहाज उसको खरीदा जा सके। उसमें हम लोगों ने तेजस को भी शोकेस किया था, तेजस में चूंकि विदेशी इंजन लगा हुआ है, अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसलिए बहुत सारे देश जो है तेजस को उतना प्रीफर नहीं कर रहे, क्योंकि अगर तेजस गया तो इंजन कहाँ का लेना पड़ेगा, अमेरिका से। यानी अगर तेजस खरीदना है तो, और उधर कुछ काम हो रहा होगा, छोड़ो ना, अगर तेजस खरीदना है तो एक भारत से भी रिलेशन अच्छा चाहिए और दूसरा अमेरिका से, इंजन कहाँ का है हमें। तो जब भी डिफेंस डील होती है तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पता चला अमेरिका से विवाद हो गया, तेजस जहाज खरीद लिए हैं तो इंजन अमेरिका नहीं देगा यहाँ पर, तो तेजस जहाज पे बहुत मतलब ये सब चीज़ें को चले। तो कहाँ पे किया गया इसे, बेंगलुरु में, एयर शो में, पूरी दुनिया ने अपनी अपनी जहाजों को लेके आए थे सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन, जो अंतरिक्ष में स्टेशन में मिशन पे भेजा जाएगा, रियाना, क्या नाम है, रियाना, आधा नाम याद रखिए बस, रियाना, इतना नाम याद होगा आप लोग से। आगे बढ़े, सऊदी अरब की अंतरिक्ष यात्री रियाना, सऊदी अरब की अंतरिक्ष यात्री,
रियाना, सऊदी अरब की अंतरिक्ष यात्री रियाना को बनाया गया। हालांकि ये देखिए सऊदी अरब में बहुत बार पिछले दो साल पहले तो महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दिया है सऊदी अरब, महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था यहाँ पे, दो साल पहले ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया। अब देखिए दूसरे साल में अंतरिक्ष में चल गई, ड्राइविंग लाइसेंस पहले नहीं था कि ड्राइवर खुद से गाड़ी नहीं चला सकते, जैसे लाइसेंस दिया गया दो साल में अंतरिक्ष में, कुछ ज्यादा ही तेज नहीं हो गया? आगे बढ़े सऊदी अरब, आगे बढ़ते चक्रवात गैब्रियल के मद्देनजर किस देश ने राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बगल में देश है न्यूजीलैंड, इसका एक उत्तरी द्वीप है एक दक्षिणी द्वीप है यहाँ पे, तो दक्षिणी उत्तरी द्वीप पे आया है चक्रवात गैब्रियल, उत्तरी द्वीप पे इस चक्रवात गैब्रियल के कारण वहां इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है और आपात, इतना ज्यादा चक्रवात है कि लगभग 200 से ज्यादा फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है, कि इतना तेज चक्रवात था कि फ्लाइट लैंड नहीं कर सकते थे और बहुत सारे तबाही को भी लाया था, तो न्यूजीलैंड ने इसे घोषणा किया। गैब्रियल चक्रवात कहाँ है? लाइव वाले मेरे साथ साथ बोला करो लोग, तुम लोग को तो कमेंट से फुर्सत नहीं मिलता है, आलतू फालतू कमेंट बनाता है। आगे बढ़े करंट अफेयर में लिख दिया कीजिए, सुनो चुपचाप अपने से लिखो, लाइव वाले लिखना हो तो वहां रुक जाओ, इसे बटन दबो रुक जाएगा, लिख लो, अपने मेहनत नहीं करेंगे, एक से एक लोल होता है सभी सब, इतना आजकल का लड़का कोढ़िया हो गया है, कोढ़िया मतलब ना सुतल सुतल देखेगा कुछ चीज, आपको कोनो चीज काम लायक होगा तो स्क्रीन शॉट मार के रख लेगा और उसके बाद इस उम्मीद में कि फिर कभी इसका नोट्स बनाएगा और दो महीना बाद फिर वो गैलरी खंगा लेगा फिर डिलीट मार देगा, अरे फालतू हो गया जी यहाँ पे ठीक नहीं है। अच्छा वो सब भी सपना सजाया सके उन सबका रिजल्ट होगा, ऐसा सबको खोपड़ी पे हरिहर बांस से मार दे, कोढ़ी सब लिखेगा है ये नहीं, कहां पे आया है? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, वेलिंगटन है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड को कहते हैं। ये रहा आपका न्यूजीलैंड, इसके बीच में कुक जल संधि है, कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि। इसके उत्तरी तट का नाम है कोरोमंडल तट, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, किस तट पे आया है? उत्तरी तट पे आया, यहां दक्षिण में यहां पर एक पर्वत है दक्षिणी आल्पस, दक्षिणी आल्पस। आगे बढ़ते हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति किसे? साबुद्दीन चुप्पू, ऑप्शन नंबर ए, बस मोहम्मद साबुद्दीन याद करिए ना, अरे बंगला नाम है यहां पे इनका, साबुद्दीन चुप्पू। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे बाबू, स्वतंत्रता सेनानी थे बांग्लादेश के, 71 की लड़ाई लड़े थे ये, 71 की लड़ाई में भारतीय सेना का साथ दिया था इन्होंने मुक्ति वाहिनी के थ्रू, और वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे थे, रिटायर्ड हो गए तब वहां राष्ट्रपति बनाया गया, तो वहां बांग्लादेश भी अच्छा काम कर रहा है, योग्य व्यक्ति को राजनीति में भेजना चाहिए जिससे कि सुधार की संभावनाएं ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए, शेख हसीना तो वहां की क्या है? प्रधानमंत्री। पुष्प कमल दहल या प्रचंड, ये तो कहां गए? नेपाल, नेपाल के। आगे बढ़े मोहम्मद सियाबुद्दीन बांग्लादेश के कौन बने हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक में एक नंबर फिनलैंड, खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड, फिनलैंड अभी नाटो ज्वाइन कर लिया, क्या ज्वाइन कर लिया? नाटो। ये रूस के लिए सबसे बड़ी हार है, बताइए उसको नाटो ज्वाइन कर लिया यहाँ पे फिनलैंड, खुशहाली के मामले में फिनलैंड बहुत अच्छा हैप्पीनेस इंडेक्स में यहाँ पे, हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं, 126, अफगानिस्तान 137 चल गया है, तो हम लोग कितने पे आते हैं? 126। खुशहाली के मामले में देखिए, खुशहाली डायरेक्टली डिपेंड कर देगा जनसंख्या पे, इनडायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जनसंख्या ज्यादा रहेगी ऑटोमेटिक खुशहाली कम हो जाएगा, हमारे यहाँ जनसंख्या इतना ज्यादा है कि सबको संसाधन नहीं दे सकते, फिनलैंड की जनसंख्या इतनी कम है कि वहां आप कम भी पैसा कमाएंगे, सरकार के पास कम पैसा है तो भी लोगों का इलाज हॉस्पिटल एजुकेशन दे सकता है। नॉर्वे और फिनलैंड ये दो देश हैं, यहाँ पे एजुकेशन बहुत ही कड़ा होता है, यहाँ पे एजुकेशन बहुत टॉप होता है, एग्जाम जब टीचर्स का लिया जाता है ना तो उसके देश में नॉर्वे फिनलैंड में सबसे टॉप एग्जाम टीचर्स का होता है। बिहार अब तो सुधार दिया, बीपीएससी के थ्रू एग्जाम ले रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? बीपीएससी के थ्रू क्या कर रहा है? एग्जाम ले रहा है, तो नहीं तो बाकी पहले ऐसे टीचर कई बार ठेका पे चलाए थे लोग टीचर, अब पढ़ाने का वही नहीं ले लिए यहाँ पे, अब आप ही बताओ, आप बीपीएससी से टीचर बनिएगा तो आप खाली थोड़े बैठे रहिएगा,
तो बीपीए यहां पर फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देश जो थे इन्होंने एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया था। तो फिनलैंड है एक नंबर पे। हमारी रैंकिंग कितनी है? 126। भारत की रैंकिंग 126। भारत 126। चाइना 68। हालांकि 64 से कम में चाइना का रैंकिंग इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सर्वे में कह दिया कि हमको दिक्कत है तो मार के उनका हाथ गोर तोड़ देगा से, वहां पे गायब कर देगा से चाइना में। हालांकि चाइना में मतलब एक मिडिल क्लास को ज्यादा दिक्कत नहीं है। आगे देखे अफगानिस्तान 137, अफगानिस्तान 137, पाकिस्तान 108, हम लोग 26। देखिए पाकिस्तान वालों को इसलिए रखा गया है कि उन सबको पता नहीं कि पीछे है सब, तो वैसे ही खुश रहता है सब। हम लोग इतना अच्छे देश है, यहाँ पे पता नहीं उन सबको, तो रैंकिंग में बोला होगा सब बढ़ चढ़ के कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है, तो हम लोग से थोड़ा सा ठीक ठाक उन सबकी रैंकिंग है। अच्छा जो रैंकिंग बनाते हैं सभी कभी कभी नशा में रहते हैं सब रैंकिंग वाले। म्यांमार को दिया 72वें नंबर पे, जबकि वहां तानाशाही आ चुके हैं। हालांकि रैंकिंग जब सर्वे किया जाता है तो बहुत सारी चीजों को मायने रखता है, केवल सुरक्षा ही मायने नहीं रखते। जैसे पाकिस्तान में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा दिक्कत किस चीज का है? सुरक्षा का। कब किधर फटेगा, चलता फिरता कौन आदमी बम है पता ही नहीं चलता है। तो ये रहा आपका कौन सा जगह? फिनलैंड। कौन जगह? फिनलैंड। अभी यार रूस से युद्ध ना हो इसलिए इसने कौन सा देश ज्वाइन कर लिया? नाटो। झीलों का देश किसे कहते हैं? हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार क्लब विश्व कप जीत गया है। कौन सा? रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड। अल नासिर क्लब को किसने ज्वाइन किया था? रोनाल्डो। किसने ज्वाइन किया था? रोनाल्डो। रोनाल्डो ने ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे रियल मैड्रिड। ये फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित कौन जीत गया है? रियल मैड्रिड। रोनाल्डो किस क्लब में चला गया? अल नासिर। अल नासिर। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला खेलो इंडिया विंटर गेम में जम्मू कश्मीर, और खेलो इंडिया में महाराष्ट्र, नॉर्मल गेम्स में महाराष्ट्र, विंटर्स में, विंटर गेम में जम्मू कश्मीर, खेलो इंडिया। हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा था। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े ना। किस राज्य ने सख्त नकल विरोधी कानून पास किया है? उत्तराखंड। अगर आप परीक्षा पेपर लीक करते हुए या दूसरे के जगह एग्जाम देते हुए, हाँ उत्तराखंड नहीं है कि हिमाचल मार दिए हैं? ओ माय गॉड, यहाँ है उत्तराखंड। अगर आप किसी को नकल कराते पेपर लीक करते समय, पेपर आउट करते हुए या फिर कैसे भी पकड़े गए तो आपको आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए की जुर्माना। आजीवन कारावास, कितना बेहतरीन काम किया। अब देखा देखी बिहार भी लागू कर दे, दो जन्म तक आजीवन करावा, दो जन्म, अगले जन्म में भी मिल गया तो पकड़ के डाल दो यहाँ पर। सबसे टॉप, सबसे बुरा भुगता बेचारा राजस्थान। राजस्थान इंटरनेट तक बंद कर दिया था, इंटरनेट बंद करने के बावजूद पेपर लीक हो गया वहां। राजस्थान गवर्नमेंट परेशान है, क्या हुआ? घर तक तुड़वा दिया गया, जो पेपर किसी किसी पे जांच में आया था कि यहां से पेपर लीक हुआ, घर तक उजड़वा दिया। लेकिन फिर भी ये पेपर लीक करने वाले कर देते हैं सब। पेपर लीक करने वाले में भी गजब गजब रहता है सब। बिहार में भी ये सब चीजें बहुत हो जाती हैं। हाँ, आगे बढ़े। हाँ, कल का पेपर लीक हुआ है? कौन कह रहा है? पेपर लीक करने में सेंटर से लापरवाही सबसे ज्यादा होती है। सेंटर पे लापरवाही बहुत ही ज्यादा हो जाती है। अब देखिए उसमें भी कई चीज है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि सेंटर पे कंडक्ट कराना है, स्कूल पे अक्सर एग्जाम संडे को होता है, संडे को टीचर चला गया छुट्टी पे, तो कुछ बाहर से एडहॉक पे या ये सब आ जाते हैं, उन सब का तो नौकरी का टेंशन नहीं है, तो थोड़ा सा कम रिस्क लेते हैं सर। आगे बढ़े, देहरादून ने सबसे मतलब देहरादून कर रहे हैं। उत्तराखंड किसने चालू किया? उत्तराखंड। आजीवन कारावास दे गए। अगला, महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? अप्पा साहेब। किसे दिया गया? अप्पा साहेब, महाराष्ट्र के समाजसेवी अप्पा साहेब को दिया गया, महाराष्ट्र का सर्वोच्च। महाराष्ट्र राज्य ने लोकपाल विधेयक को क्या किया? पारित किया है। लोकपाल विधेयक को क्या किया? पारित किया। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? एंजिला मार्केल। किसे दिया गया? एंजिला मार्केल। किस लिए? तो शरणार्थियों के लिए। किसके लिए?
शरणार्थियों के स्वागत के लिए दिया गया है एंजेला मार्केल को, जर्मनी की चांसलर। कहाँ की चांसलर? जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। कोई दिक्कत? जर्मनी चांसलर एंजेला मार्केल। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। शिंजो आबे जापान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, गोली मार दिया ससुराल इनको, जबकि जापान में सबसे कम क्राइम होता है। जापान में हथियार रखना अलाउ नहीं है। वो नौसेना का कर्मचारी था, रिटायर, घरे बंदूक बना लिया और वहां के प्रधानमंत्री सड़क पे भाषण दे रहे थे, 20-25 आदमी के बीच में जाके मार दिया यहाँ पे, गजब। हालांकि भारत से काफी अच्छा रिलेशन था। शिंजो आबे प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पद को छोड़ दिए थे कि अब हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, हमरा से ना संभल तो अब हमारे यहाँ कब्र में एगो पैर रहेगा तब वहा मुखिया ना छोड़े सब हमारे यहाँ। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया ने किस अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग के साथ कितने विमान खरीदने का समझौता किया? 202, 220, 202 नहीं, 220, 220, 220। दुनिया में ना जहाज बनाने वाली दो ही कंपनियां सबसे फेमस है, एक बोइंग है और एक एयरबस है। एयरबस, एयरबस, बोइंग और एयरबस ये जहाज बनाते हैं सब, समझ में आ गया कि नहीं है? प्रेट एंड विटनी, प्रेट एंड विटनी, प्रेट एंड विटनी इंजन बनाता है, रोल्स रॉय इंजन बनाता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन बनाता है, सेफ्रॉन इंजन बनाता है, सेफ्रॉन इंजन बनाता है। तो ये सब जहाज, ये सब किसके लिए है सर? इंजन बनाने के लिए। अभी प्रेट एंड विटनी ने इंजन नहीं दिया गो फर्स्ट को, गो फर्स्ट एयरलाइन इंजन की वजह से उसकी आधी जहाजें ग्राउंडेड हो गई इंजन के वजह। हर इंजन की अपनी लाइफ होती है कि इतने घंटे उड़ान के बाद वो इंजन काम करना बंद कर देगा, उसके जो ब्लेड होते हैं उसमें दरार आना चालू होता है, जो ब्लेड घूमता है ना दरार आ जाता है। तो जहाज बनाने वाली जाइंट कंपनी बोइंग और एयरबस। आप कई बार देखें बोइंग के जहाज में प्रेट एंड विटनी का इंजन है तो कभी रोल्स रॉय का मिलेगा, समझ में क्या? सेफ्रॉन और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ये ज्यादातर लड़ाकू जहाजों के इंजन बनाते हैं, सेफ्रॉन वगैरह, राफेल वगैरह का इंजन सेफ्रॉन ने बनाया, तो कुछ वो उसके बनाते हैं, बाकी नॉर्मल भी। रोल्स रॉय का इंजन और प्रेट एंड विटनी का इंजन ज्यादातर जहाजों में यूज होता है। एरोनॉटिक्स में इंजन टेक्नोलॉजी बहुत ही टफ है। आगे बढ़े तो एयर इंडिया ने कहां से? बोइंग से किया है। किसे? बोइंग से। बोइंग का पूरी इंडिया, पूरी दुनिया में सबसे फेमस मॉडल बोइंग 737 और एयरबस का A320। ये छोटे से छोटे रनवे पे उतर जाते हैं सर और 180 लोगों को लेके उड़ जाते हैं सर। तो अमूमन 180 आदमी को बैठाया लेके उड़ गया, छोटा भी रनवे पे उड़ सकता है। तो बोइंग 737 और एयरबस A320। आगे बढ़ जाते हैं हम।